सरप्राइज सरप्राइज। एजाज, तुम्हें याद था आज मेरी बर्थडे है? जाहिर है, याद कैसे नहीं होगा। तुम्हारे साथ गुजारा हुआ एक एक लम्हा, हमारी मुलाकातें, हमारी मंगनी, हमारी शादी, सब याद है मुझे। पता है। क्या पता है? ये कि कितनी मोहब्बत करते हो तुम मुझसे। कितनी? जितनी शायद दुनिया में कोई किसी से करता। अरे तुम्हारी आंखों में आंसू। सुमन, ये खुशी का लम्हा। केक काटो ना। That's like a good girl. बजाओ। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Suman, happy birthday to you. मैं खिलाऊंगा तुम्हें। हाँ हो गया। मोईज़ चला गया स्कूल? हाँ चला गया। आप क्यों नहीं निकले अभी तक? देर नहीं हो रही? नहीं नहीं, देर नहीं, इतनी देर नहीं हुई अभी। जा रहा हूँ बाबा। अच्छा सुनिए, मोईज़ के स्कूल में आज पेरेंट टीचर मीटिंग है, उसमें हमें जाना है। वी हैव टू गो। ओह गॉड, मैं तो आज बहुत बिजी हूँ, नहीं जा सकता। तुम चले जाओ ना प्लीज। ओके, लेकिन आप जाते तो अच्छा था। हाँ अच्छा तो था, लेकिन बिजी हूँ ना। अरे ये कहाँ से? क्लिफ्टन से। जाएं अब, देर नहीं हो रही। अच्छा बाबा जा। बाय। अच्छा सच, आज बहुत बहुत अजीब हुआ मेरे साथ। गाड़ी चलाते हुए अचानक मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे पैरों में जान ही नहीं है। बहुत मुश्किल से ब्रेक लगाया मैंने। तुमको उसी वक्त मुझे फोन करना चाहिए था ना। थोड़ी देर में सब ठीक हो गया, लेकिन फिर अचानक मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। दर्द इतना शदीद था कि मैं घबरा गई। अभी भी हो रहा है दर्द? थोड़ा थोड़ा, समझ में नहीं आ रहा अचानक। सब ठीक हो जाएगा, तुम जरा खाया पिया करो ना। मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ। ये लो, जल्दी से खत्म कर लो, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा दर्द। पी लो ना। आप मेरी वजह से परेशान मत हो, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। तुम दूध तो खत्म करो। आप मेरा ख्याल छोटे बच्चों की तरह रखते हैं। ये बताइए, आपने खाना खाया? तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं खा लूंगा खाना। तुम खत्म करो दूध जल्दी। शाबाश। एजाज, प्लीज जल्दी आओ, प्लीज जल्दी आओ। क्या हुआ तुम्हें? चलो डॉक्टर के पास चलें। चलो उठो, पेट में जल्दी दर्द हो रहा। चलो ना, उठो जल्दी। और मोईस, मोईस की फिक्र मत करो, उसे मैंने स्कूल छोड़ दिया। तुम उठो, हॉस्पिटल चलते। हॉस्पिटल? हाँ ना, हॉस्पिटल चलते हैं। ऐसी चीज़ों को निगलेक्ट नहीं करते। उठो। शाबाश। मिसेस एजाज, हो सकता है आपने कुछ ऐसा खा लिया हो जिसकी वजह से आपको ये पेन हो रहा है। जी, हम लोग पिकनिक पे गए थे, शायद मैंने वहाँ कुछ खा लिया, लेकिन एजाज और मोईज़ ने भी वही खाया था जो मैंने खाया। नहीं, ज़रूर तुमने कुछ ना कुछ खाया होगा बाहर। जी बिल्कुल मिसेस एजाज, फ़िलहाल ये कुछ दवाएं मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, मुझे उम्मीद है फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी पेन हो तो आप फ़ौरन आइएगा, कुछ टेस्ट्स करने होंगे आपके। ओके? थैंक यू डॉक्टर साहब। यू आर वेलकम। चलिए। ये क्या, आपने अभी तक अपना यूनिफॉर्म चेंज नहीं किया? मोईज़, अब आप बड़े हो गए हो, अपना यूनिफॉर्म भी खुद चेंज किया करो और अपना होमवर्क भी खुद किया करो। आपको क्या हुआ? मुझे जान। क्या हुआ तुम्हें? मेरे पेट में शदीद दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। मैं दवा लेकर आता हूँ। मर जाऊंगी। तुम क्यों उठ गई? यहाँ क्यों आ गई हो? तुम ये क्या कर रहे हो? देख तो रही हो तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी प्यारी सी बीवी के लिए अच्छा सा नाश्ता बना रहा हूँ। क्या जरूरत थी ये करने की, मुझे उठा देते। जी नहीं, डॉक्टर ने मना किया आपको काम करने से। आराम से आ जाओ, नाश्ता करो सुकून से। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। पता है क्या, मैंने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली है कुछ दिनों की। जब तुम ठीक हो जाओगी ना तब जाऊंगा मैं ऑफिस। और अगर मैं कभी ठीक ना हुई तो? कैसी बातें कर रही हो तुम? ठीक हो जाओगी तुम, तुम्हें ठीक होना पड़ेगा, मेरे लिए, मोईज़ के लिए। एजाज, जिंदगी एक जैसी नहीं रहती है। हमें हर वक्त हर तरह की मुश्किलात के लिए तैयार रहना चाहिए। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर किस्म के हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। खैर छोड़ो, ये बताओ दर्द कैसा है? जब तक दवाओं का असर रहता है दर्द दबा रहता है, लेकिन ये असर ख़त्म होते ही शिद्दत बढ़ जाती है। बस दवाएं तुम बाकायदगी से खाती रहो, ठीक हो जाओगे। मुझे तो कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन लगता है। खुदा करे ऐसा ही हो। मुझे तो मुईज़ की फिक्र लगी रहती। मेरे बगैर कैसे रह सकेगा वो? हाँ, तुम फिक्र बिल्कुल मत करो। उसका स्कूल, उसका होमवर्क, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा है। तुम सुकून से नाश्ता करो, ये लो दूध पियो। कैसी तबीयत है तुम्हारी? दर्द तो नहीं हुआ? मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। चाय रहने दो, बैठो मेरे पास। अगर तुम्हें दर्द नहीं हुआ तो मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? क्या बात है, बताओ ना। एजाज, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अंदर ही अंदर खत्म होती जा रही हूँ, खुलती जा रही हूँ मैं। ये महज तुम्हारा वहम है, बीमारी के बाद की कमजोरी और कुछ नहीं। नहीं एजाज, ये कोई मामूली बीमारी नहीं है। अब तो हिम्मत भी नहीं है इससे लड़ने की। मैं तुम्हें इस तरह बीमार और मायूस नहीं देख सकता। जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं तो बस आपको ज़हनी तौर पे तैयार कर रही थी। किस बात के लिए? किसी बात के लिए नहीं, आप चेंज कर लें, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। समन, 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 समन। इजाज़ साहब, आपकी वाइफ की टेस्ट्स की रिपोर्ट्स आ गई हैं। डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक तो है ना? ये इस तरह बेहोश कैसे हो गई? सब कुछ ठीक है भी और नहीं भी। क्या मतलब है इस बात का? आई एम सॉरी इजाज़ साहब, आपकी वाइफ की इंटेस्टाइंस में बहुत सीवियर इन्फेक्शन है एंड आई एम अफ्रेड शी विल हैव टू लिव विद इट फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। इंटेस्टाइन इन्फेक्शन? जी हाँ, और अनफॉर्चुनेटली इस बीमारी का कोई कंप्लीट क्योर नहीं है हमारे पास, लेकिन मेडिसिन से और परहेज से इसे कंट्रोल ज़रूर किया जा सकता है। क्या मतलब कोई इलाज नहीं है? क्या वो कभी सही नहीं होगी? इस तरह की कोई बात नहीं है इजाज़ साहब, वैसे भी कोई भी डॉक्टर अपने मुंह से इस तरह की बात कभी नहीं करेगा। इट वुड बी अनप्रोफेशनल ऑन हिज पार्ट। हो सकता है कि आगे जाकर किसी स्टेज पर वो इम्प्रूव कर जाएं। डॉक्टर साहब, उन्हें हॉस्पिटल में कब तक रखा जाएगा? आई मीन वो घर कब जा सकती है? अभी उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना बहुत ज़रूरी है इजाज़ साहब। जब तक उनकी तबीयत संभल नहीं जाती, इट्स बेटर शी स्टेज इन द हॉस्पिटल। वैसे इजाज़ साहब, आपकी हालत देखकर मुझे अंदाज़ा होता है कि आप अपनी मिसेज से बहुत मोहब्बत करते हैं। शी इज़ वेरी लकी। मोहब्बत करना तो बहुत आसान है, लेकिन इसे निभाना उतना ही मुश्किल। Am I right? डॉक्टर साहब, मैं अपनी बीवी की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप यूँ समझें कि हम दोनों की सांसें एक साथ जुड़ी हुई हैं। एजाज साहब, डॉक्टर साहब इन्हें होश क्यों नहीं आ रहा? जब से हॉस्पिटल आई हैं बेहोश है। डोंट यू वरी, इन्हें होश आ जाएगा बहुत जल्दी। हमने इनके तमाम टेस्ट्स किए हैं, वील बी एबल टू डायग्नोज समथिंग। वैसे बाय द वे इनके पास कौन? मैं डॉक्टर साहब, मैं यहाँ रहूँगा। ओके फाइन, ठीक है मैं चलता हूँ। डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएंगी ना? Relax, Aijaz sahab, relax. She'll be fine. Okay? Cheer up. Aijaz, अभी तक यहाँ कैसे हो तुम? तुम अभी तक हो यहाँ पे? क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? हाँ, तुम ठीक हो जाओगी तो मैं भी ठीक हो जाऊँगा। क्या ज़रूरत थी यहाँ सारी रात रुकने की? मुझे देखने के लिए यहाँ स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, मगर वहाँ मोईज़ तो अकेला है ना घर पे। कैसे चला जाता? जाऊँगा तो तुम्हें लेके जाऊँगा। और मोईज़ अकेला कहाँ है? बुआ है ना उसके पास। क्या हो, कहाँ खो गई तुम? कितनी लकी हूँ मैं, आप कितना ख्याल रखते हैं मेरा। ये फिल्मी और किताबी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, प्लीज़। तो कहीं आपकी मोहब्बत भी किताबी और फिल्मी तो नहीं? मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। एजाज, डॉक्टर्स क्या कहते हैं? क्या बीमारी है मुझे? इस तरह इतना शदीद पेन और ये बेहोशी? कुछ नहीं, इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है तुम्हें, कोई सीरियस बात नहीं है। इधर देखें, मेरी तरफ। क्या वाकई कोई सीरियस बात नहीं है? अरे तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मोईज़ से मिलना चाहती हूँ। हाँ, मैं घर जाकर ज़रा घर की हालत भी देख लूँ, वापसी पे मोईज़ को ले आऊँगा तुमसे मिलवाने। अपना ख्याल रखना। अस्सलामुअलैकुम मिसेस एजाज। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताइए कि अब आपका दर्द कैसा है? कुछ कम हुआ है लेकिन अभी भी है। शायद इस दर्द की आदत सी हो गई है मुझे, मुसलसल जो रहता है। नहीं नहीं, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। दर्द मुस्तकिल रहने वाली चीज़ नहीं है, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगी। ओके डॉक्टर साहब, आप लोग मुझे बताते क्यों नहीं क्या बीमारी है मुझे? क्यों अंदर ही अंदर मैं घुलती जा रही हूँ? एक्चुअली मिसेस एजाज, आपकी इंटेस्टाइंस में इन्फेक्शन डायग्नोज हुआ है जो अनफॉर्चुनेटली अपने पीक पर पहुंच चुका है। मैं आपको लेमैन्स लैंग्वेज में समझाता हूँ। ये ऐसे ही है जैसे दांत का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बुखार की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाए, तो फिर दर्द इतनी शिद्दत पकड़ लेता है कि एक स्टेज पर आकर वो गायब हो जाता है। डॉक्टर साहब, क्या वाकई ये महज एक इन्फेक्शन है? बिलीव मी, आई एम अ डॉक्टर। मैं आपसे गलत बयानी क्यों करूंगा? आप तो ऐसे कह रही हैं मिसेज एजाज जैसे मैं कोई जराइम पेशा आदमी हूं और मैं कोई गलत बयान दे रहा हूं, कोई झूठी गवाही दे रहा हूं किसी अदालत में खड़े होकर। बट आई मस्ट से यू आर वेरी लकी मिसेज एजाज। आपके हस्बैंड बहुत केयरिंग हैं। आपकी बेहोशी के दौरान दिन रात वो आपको देखते रहे, आपके बेड के पास बैठे रहे कि कहीं आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो यहाँ पर मौजूद हो। आई मस्ट से फी ज़माना ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ओके नाउ चीयर अप, ठीक है? मैं सिस्टर को भेजता हूँ। आपने मामा को मिस किया था? स्वीट बेबी। अच्छा ये बताओ, आपने बुआ को तंग तो नहीं किया और अपना होमवर्क किया? आप घर कब आएंगी? घर मेरी जान, मैं बहुत जल्दी आऊँगी। आप बस यूँ ही अच्छे से स्वीट बच्चे बने रहना, ओके माय स्वीट बेबी। साहब, मैं उसे इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकता। एजाज साहब, आप बहुत कमज़ोर पड़ रहे हैं। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। डॉक्टर साहब, आप लोग तो कह रहे थे वो ठीक हो जाएगी, लेकिन उसकी हालत तो ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। कुछ करते क्यों नहीं आप लोग? मैं क्या करूं एजाज साहब, मैं हिम्मत हार जाऊं आपकी तरह? आपकी मिसेस को घर वापस भेज दूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता, झूठी तसल्लियां नहीं दे सकता मैं आपको। देखिए, उनकी टेस्ट्स की रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं, कोई बीमारी डिटेक्ट नहीं हो सकी। शी इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन। हम उन्हें हॉस्पिटल में रखकर देखना चाहते हैं कि कैसे तड़प तड़प के मरती है वो। प्लीज़ एजाज साहब, डोंट बी सो पेसिमिस्टिक। देखिए, हम ऐसा करते हैं कि फ़िलहाल आपकी वाइफ को लिक्विड्स पर रखते हैं, दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उनका सिस्टम इतना सेंसिटिव हो गया है कि वो और कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगी। लेट्स ट्राई, आई होप शी विल इम्प्रूव। आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, मैं जानता हूँ आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आई एम स्टिल होपफुल एजाज साहब। देखिए, उनकी रिपोर्ट्स में कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती, मुझे उम्मीद है कि हम बहुत जल्द डायग्नोज कर लेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, हाँ हाँ, डॉक्टर आसिफ स्पीकिंग। हाँ, वो मैंने सारी रिपोर्ट्स भिजवाई थी डॉक्टर नादिर के पास। आई थिंक देर इज़ नो मेजर प्रॉब्लम एज सच। वैसे बात हुई, मैंने मैंने पहले कभी ऐसा केस नहीं देखा। हैरत है, समझ में नहीं आ रहा कि तकलीफ बजाय कम होने के मुस्तकिल बढ़ती ही जा रही है। लेट्स होप शी गेट्स बेटर। ओके ओके, थैंक्स। हाँ हाँ, मैं आऊँगा इंशाल्लाह। सी यू। तुम्हें याद था आज मेरी बर्थडे है? जाहिर है, याद कैसे नहीं होगा। तुम्हारे साथ गुजारा हुआ एक एक लम्हा, हमारी मुलाकातें, हमारी मंगनी, हमारी शादी, सब याद है मुझे। पता है। क्या पता है? ये कि कितनी मोहब्बत करते हो तुम मुझसे। कितनी? शायद दुनिया में कोई किसी से करता हो। अरे तुम्हारी आंखों में आंसू। सुमन, ये खुशी का लम्हा। केक काटो ना। That's like a good girl. बजाओ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Suman. Happy birthday to you. मैं खिलाऊंगा तुम्हें तुम क्यों उठ गई? यहाँ क्यों आ गई हो? तुम ये क्या कर रहे हो? देख तो रही हो तो मैं क्या कर रहा हूँ। अपनी प्यारी सी बीवी के लिए अच्छा सा नाश्ता बना रहा था। क्या जरूरत थी ये करने की? मुझे उठा देते। जी नहीं, डॉक्टर ने मना किया आपको काम करने से। आराम से आ जाओ, नाश्ता करो। क्या हुआ? आप लोग इस तरह क्यों बैठे हैं? खैरियत तो है ना? क्यों किया तुमने ये सब? क्या क्या किया मैंने? मेरे खाने में और दूध में जहर क्यों मिलाते रहे? बिंदा, प्लीज मुझे माफ कर दो। ओह माय गॉड, पैसे का वजन मोहब्बत के वजन से कैसे ज्यादा हो सकता है? इंस्पेक्टर साहब प्लीज आइए। अरेस्ट हिम। प्लीज मिसेस एजाज।